हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हम पढ़ रहे थे बेटा कम्युनिस्ट ऑफ सेल्स, और कम्युनिस्ट ऑफ सेल के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था क्या सेल्स इन सीरीज। आज हम पढ़ेंगे सेल्स इन पैरेलल। नंबर सेकंड है सेल्स इन पैरेलल। इसका एक्सप्रेशन भी आता है एग्जाम के अंदर, सेल्स इन पैरेलल। अब कैसे है पैरेलल के अंदर? एक सेल ये है बेटा, जिसकी ये तो हो गया सेल, उसका ये हो गया रेजिस्टेंस। एक सेल ये है, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। तो दो सेल हमारे पास, इस सेल की जो ईएमएफ है वो है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। इस सेल की ईएमएफ है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। दोनों को जोड़ दिया इस तरह से, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। दोनों के दोनों A और B के बीच में ही कनेक्ट है, और कैसे कनेक्ट है? इस सेल का पॉजिटिव इस सेल के पॉजिटिव से, इस सेल का नेगेटिव इस सेल के नेगेटिव से। रेजिस्टेंस बीच में आ गई बेटा, रेजिस्टेंस तो इंटरनल है। आप इन रेजिस्टेंस को मैंने क्या कहते हैं, हम कैसे बना सकते हैं ना, कि ये सेल हो गया और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। आप ऐसे दिखा सकते हो, नीचे एक सेल हो गया, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इसका डायग्राम भी बना सकते हो, दोनों के दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, सर्किट के साथ नहीं जुड़ा हुआ। ये तो बस ओनली दिखा रखा है हमने कि हाँ भाई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम जैसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट और ये सर्किट दोनों एक ही सर्किट है। पेपर वैसे ही आ जाए देखोगे तो करवाए नहीं, तो ध्यान से देखो बेटा, दोनों एक ही है। ये सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस है ना कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो क्या आएगा बेटा, देखो अब आगे इसमें तो करंट, अब दो ब्रांच होगी ना, एक होगी ऊपर और एक होगी नीचे। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहां से करंट मान लेते हैं कितना फ्लो हो रहा है I1, यहां से करंट कितना आ रहा है I2, इसका मतलब यहां पे करंट कितना गया होगा I1, नीचे कितना गया होगा I2, और यहां से कंबाइंड होके करंट क्या बना I, क्योंकि जंक्शन है। ऐसे यहां से करंट कितना आया होगा I, और इसे डिवीजन हो गया ऊपर I1 और नीचे I2। तो आपको पता चल गया, हो गया टोटल जो करंट आएगा I वो किसके इक्वल है बेटा, I1 प्लस I2। तो जो नेट करंट है, नेट करंट I, दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब पहले ऊपर वाले के लिए करो, फिर नीचे वाले के लिए करो। करंट सर्किट सेल से ड्रॉ हो रहा है, यहां से भी ड्रॉ हो रहा है, और करंट अगर ड्रॉ होता है सेल से तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल। तो क्या आएगा बेटा, फ्रॉम फर्स्ट सेल, फ्रॉम ऊपर वाला सेल फर्स्ट मान लेता हूं मैं, ये फर्स्ट है और ये कौन सा है सेकेंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेल क्या जाएगा बेटा, VAB कितना होगा बेटा, VAB को मैं बी मान लू क्योंकि दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगी, बी मान लिया, इज इक्वल टू कितनी आएगी बेटा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है E1 माइनस करंट क्या है I1, रेजिस्टेंस है R1। तो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। यहां से I1 की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें I1 और I2 यहां रखना है इसके बाद में। तो यहां से I1 अगर निकालोगे तो I1 R1 इधर आएगा, तो प्लस I1 R1 इज इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस V, देन I1 इज इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस V और डिवाइड बाय आ जाएगा R1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड फ्रॉम सेकेंड सेल, सेकेंड सेल से क्या जाएगा बेटा, सेकेंड सेल से सेम ऐसे ही VAB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, V मानी हमने भाई इसके क्रॉस VB है, इसके क्रॉस V होगी क्योंकि दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होती है सेम होती है। V इज इक्वल टू ईएमएफ E1 थी, इसमें कितनी है E2 है,
तो ये आ जाएगी ए टू माइनस आई टू और आर टू, तो ए टू माइनस आई टू आर टू, सेम ऐसे यहां से निकालोगे आई टू, तो यहां से जब आई टू निकालोगे जैसे ऊपर लिखा जैसे ही, तो जहां ई वन माइनस वी डिवाइड बाई आर वन था, तो यहां पे आ जाएगा ए टू माइनस वी एंड डिवाइड बाई आर टू, इक्वेशन नंबर I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई, I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या आएगा बताओ, I इज इक्वल टू I1, तो ये आया E1 माइनस V डिवाइड बाय R1, प्लस I2 E2 माइनस V डिवाइड बाई R2, ठीक है, करो उसको सोलह बारा क्या आ जाए, मैं इसको कह सकता हूं बेटा I इज इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, ठीक है, इन दोनों को साथ रख लो और I is equal to E1 by R1 plus E2 by R2, इन दोनों साथ रख लो और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस V, माइनस तो हमने क्या बचाएगा, प्लस आ जाएगा 1 by R1 plus 1 by R2, ठीक है, आगे करेंगे इसको, इसका स्क्रीनशॉट लो, हेलो को बीच में इसको, ठीक है, नोट करो सुधे इसको कर लिया, ठीक है, देखो आगे मिटा दो भाई, डायग्राम भी मिटा दो, एलसीएम लो कितना आ जाएगा, आर वन आर टू कितना बच जाएगा, ई वन आर टू और प्लस हो जाएगा ई टू आर वन माइनस वी, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आर वन प्लस आर टू और नीचे आ जाएगा आर वन आर, ठीक है, हमें इक्वेशन बनानी है बी इक्वल टू ई माइनस आई आर इक्विवेलेंट सर्किट जैसे, तो आप क्या करोगे, मैं इस पूरे को इधर लिया हूं, तो ये आ जाएगा वी इंटू आर वन प्लस आर टू आर वन आर टू, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन और डिवाइड बाई आर वन आर टू एंड माइनस हो जाएगा आई, ठीक है, V अकेला रख रहा है यहां पे, तो इधर ले जाऊं उसको, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके क्या हुआ डिवाइड, दोनों के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ऐसे प्रॉपर कर देना इसको, तो V इक्वल टू आ जाएगा E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाय R1 R2 एंड मल्टीप्लाई पे उल्टा जाएगा, तो आ जाएगा R1 R2 डिवाइड बाय आ जाएगा R1 प्लस R2, सेम ऐसे ऐसे भी करना पड़ेगा, आई ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई बाई आर वन आर टू और नीचे आ जाएगा आर वन प्लस आर टू, तो ये आर वन आर टू क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से वी जो आया वो कितना आया, वो आया ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू माइनस, ये आपने कर लिया होगा, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आई इंटू आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू,
और ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी, एक दो तीन थी ना, ये मेरे ख्याल से चार होगी। ठीक है, तो v इक्वल टू इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बनी। और अब क्या करें, जैसे हमने सीरीज में मानी थी कि अगर सभी सेल को रिप्लेस करके एक सिंगल सेल ले लें जिसकी ईएमएफ इक्विवेलेंट है, रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट था, तो ईएमएफ कैसे होगी, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आएगी बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ऐसे हम इसमें लिखेंगे, इसको नोट करें पहले बार। हो गया, ठीक है, देखो आगे इसको मिटा देता हूं। देखो बेटा, सेम वही बात, इफ वी रिप्लेस द टू सेल, हमारे पास जो सेल थे बाय ए सिंगल सेल ऑफ ईएमएफ इक्विवेलेंट एंड रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, यानी ये वाला। ईएमएफ है इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, वही पॉइंट दो के बीच में पॉइंट ए और पॉइंट बी, और करंट कितना था आई। तो टोटल सर्किट में करंट आई था, जो हमने दो सेल जोड़े उसमें भी, यहां भी टोटल करंट कितना है आई है, पॉइंट वहां भी ए और बी थे, ये पॉइंट ए और बी है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बिटवीन ए एंड बी, देन V A B तो किसकी इक्वल माना हमने V के, एंड दिस इज इक्वल टू, अब हो जाएगा यहां से ड्रॉ हो रहा है करंट, तो E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब फ्रॉम 5 एंड 4 इन दोनों इक्वेशन का आपस में क्या कर दो, कंपेयर फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5 कितना आ जाएगा बेटा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा ये सारे, E equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 and divide by R1 plus R2। ठीक है, तो ये तो हो गया E equivalent नंबर इक्वेशन 6। एंड R अब यहां पे क्या है, माइनस यहां भी है, माइनस यहां I, यहां भी I, तो R equivalent ये बस गया, एंड R equivalent equal to R1 R2, R1 R2 divided by R1 plus R2। इक्वेशन नंबर 7। तो अगर आपसे बस हमने इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन पूछे, एक्सप्रेशन पूछे, तो यहां तक आपको करना है उसको, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दो नंबर में आ जाए, तीन नंबर में है, तो आपको इतना बड़ा करना है, दो नंबर में है तो उसको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। EMF एक के मान लो E दी हुई, एक की 2E दी होगी, एक का रेजिस्टेंस R होगा, दूसरे का 2R होगा, एनीथिंग कुछ भी दिया होगा, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन 6 और 7 में पुट करो वैल्यू, डायरेक्ट E1 की वैल्यू कोई भी हुई, E E2 2E E R E 2R एनीथिंग कोई भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना इक्वेशन 6 और 7। आप उसको शुरू से लेकर लास्ट तक ड्राइव मत करना, दो नंबर तक आता है तो भी, तीन नंबर में आ जाए तब उसको ड्राइव करना है, नहीं तो नहीं करना आपको, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करना बस, नंबर नहीं कटेंगे कभी भी आप उसके, ठीक है। तो ये आ गए, चलो अब इसी को हम इसके सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास दो सेल है, तो दो सेल का तो हमने निकाल दिया, ठीक है। अगर तीन सेल हो तो फिर क्या होगा, चार सेल हो तो क्या होगा, पांच सेल हो तो क्या होगा, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, उसके लिए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे बेटा, सिक्स को और सेवन को, और सिंपल फॉर्म क्या बन सकती है इसकी, तो पहले आप इसको नोट डाउन करें, कर लिया, ठीक है। देखो हम उसको सिंपल फॉर्म में क्या कह सकते हैं वो देखो बेटा, इन सिंपल फॉर्म मैं इसको भी कह सकता हूं बेटा, ए वन इक्विवेलेंट को ए इक्विवेलेंट क्या
E1 R2 डिवाइड बाय R1 R2 R1 प्लस R2, ठीक है। एक मिनट इसको डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट को R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, क्योंकि अकेले ईएमएफ तो नहीं आएगी। अगर आपके पास डिफरेंट तीन सेल होंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड नहीं कर सकते हो, आप इन दोनों का रेशियो फाइंड कर सकते हो, रेशियस फाइंड कर सकते हो। तीन सेल का हम इक्विवेलेंट ईएमएफ अकेले अलग अलग हुए तो उनकी ईएमएफ को हम फाइंड नहीं कर सकते, इस तरह से, इस तरीके से नहीं कर सकते फाइंड। तो इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट का रेशियो कर सकते, तो रेशियो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय क्या है बेटा, R1 प्लस R2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड होगा तो ऊपर जाएगा R1 प्लस R2 और नीचे आ जाएगा R1 R2, ये होगी कैंसिल। तो हमारे पास E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया, क्या आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 एंड डिवाइड बाय R1 R2, डिवाइड बाय R1 R2, इक्वेशन आ गई 8, ठीक है। नोट करो ऊपर का भी एक बार, और इसको क्या लिखें आगे, इसको हो गया। और उसको क्या कहते हैं बेटा, और हम उसको ये भी तो कह सकते हैं E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, E1 R2 डिवाइड बाय R1 R2 डिवाइड बाय R1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 R2, R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, क्या बचा बेटा, तो ये बचा E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, ये आ गया E1 बाय R1 और दूसरा आ गया E2 बाय R2, आया कि नहीं आया, आ गया ना, ये आ गया इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। और R इक्विवेलेंट क्या है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और ये क्या होता है ये आपको पता ही है, हम इसको ये कह सकते हैं ना, एंड 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. आप इसको सोल्व करके देखोगे, इसको सोल्व करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, R1 R2 LCM, ऊपर आ जाएगा R1 plus R2, फिर उसको उल्टा करोगे तो ये आंसर आएगा सेम। तो R equivalent तो हो जाएगा 1 by R1 plus 1 by R2, ये सेम किस तरह होते थे, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेसिप्रोकल एडिशन करते हैं, कैपेसिटेंस सीरीज में जोड़ते हैं तो रेसिप्रोकल एडिशन करते हैं, तो ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में ऐड करोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में ऐड करोगे दो सेल के, तो उनका रेसिप्रोकल एडिशन हो जाएगा दो सेल के लिए। तो इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 10, तो ये इनके सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ चाहिए अकेला तो ये है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो ये है, ये मैंने जो दो फॉर्मूले बनाए हैं 9 और 10 ये बनाए हैं, तीन सेल आए तो क्या होगा, चार आए तो क्या होगा, एन सेल आए तो क्या होगा, मैंने इनके लिए इसको ड्राइव किया है, नहीं तो यहां तक सफिशियंट था 6 और 7 के लिए, 6 और 7 तक बस। नोट करो बेटा, ठीक है, आ रहा होगा समझ में कैसे, चलो आगे देखो। इसके बाद में इसको क्या करें बेटा, तो इसको देखो For n cells, the scheme of E1, E2, E3, EN, resistance R1, R2, RN, तो देखो क्या होता है, n cells के लिए E equivalent divided by R equivalent कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 अब तो क्या हो जाएगा EN डिवाइडेड बाय RN, तो आप उन दोनों का रेशियो निकाल सकते हो ना, चाहे कितने भी सेल में दी मिले उन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हो, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा
वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री अप टू वन बाई आर एन, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नंबर 11, तो ये फॉर द डिफरेंट सेल है। अगर डिफरेंट सेल हो, अगर सेल की ईएमएफ अलग अलग हो, ए वन ए टू ए थ्री, एक ई एक की टू एक की थ्री एक की फोर, कुछ भी नहीं मिले, रेजिस्टेंस सभी का अलग हो, तो दोनों का रेशियो और अकेले का यानी कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए ओनली जो था डायरेक्ट फॉर्मूला जो लिखा था ना, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू, उसमें दो ही सेल का हो सकता है दोस्तों, रेशियो आप कितने भी सेल का निकाल सकते हो, ठीक है, नोट करो उसके ऊपर। अब अगर आइडेंटिकल सेल हो जाए तो बेटा दे, अगर आइडेंटिकल सेल हो जाए तो क्या होगा, इफ देर आर, इसको स्पेशल केस में कर लेना, वैसे तो आप इसको स्पेशल केस में कर सकते हो, इसी को ऐसे स्टार्ट कर देना स्पेशल केसेस, और जिसमें केस फर्स्ट कर देना ये वाला कि फॉर एन सेल्स, या कर सकते हो एन डिफरेंट सेल्स, एन डिफरेंट सेल्स ये कर देना इसमें, और केस सेकेंड के अंदर आप लिख देना केस सेकेंड, और केस सेकेंड के अंदर आप लिख लेना फॉर आइडेंटिकल सेल्स, फॉर आइडेंटिकल सेल्स, अगर सेल कैसे हो आइडेंटिकल हो, तो पहले दो बाद में एन के लिए देखेंगे, पहले मेरा तो भाई मत हो गया है। तो दो सेल के लिए फॉर टू सेल्स में E1 और E2 दो ही थे वो E के बराबर, एंड R1 और R2 किसके बराबर, R के, तो E इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ, E इक्विवेलेंट कितना आएगा, E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, इसे पुट करो, इसमें पुट करो कि आ जाएगा ई आर ई आर ई आर ई आर डिवाइड बाई टू आर, तो टू ई आर डिवाइड बाई टू आर, इसका आंसर आ जाएगा ई, कितना आ जाएगा ई, तो ई इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई, ठीक है। एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो ये आ जाएगा कितना R बाय 2, अगर दोनों को R की वैल्यू R लिखे दोनों के पहले R1 R2 की वैल्यू, तो R स्क्वायर डिवाइड बाय 2R, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R बाय 2, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R बाय 2, कितना जाएगा R बाय 2। तो दो सेल हैं, दोनों को पैरेलल में ऐड किया, दोनों आइडेंटिकल सेल है, ईएमएफ कितनी है ई, रेजिस्टेंस हो गया आर बाई टू। ऐसे अगर मतलब तीन सेल हो, थ्री सेल्स, ई वन ई टू ई थ्री, तीनों की आइडेंटिकल ईएमएफ ई हो, तो भी ईएमएफ ई आएगा, तो भी रेजिस्टेंस कितना जाएगा आर बाई थ्री, आर बाई थ्री। अगर हमारे पास इस तरह से लगातार सेल कितने भी सेल हो, अगर सभी की आइडेंटिकल आइडेंटिकल ईएमएफ है, तो आइडेंटिकल ईएमएफ है तो उनकी ईएमएफ पे कोई चेंज नहीं आएगा, सभी की ईएमएफ क्या आएगी, क्योंकि दो से ई आई है तो तीन से भी ई आएगी, चार से भी ई आएगी, तो कितने भी सेल हो अगर वो पैरेलल में ऐड है तो उनकी ईएमएफ ना घटेगी ना बढ़ेगी, वो एक सेल की ईएमएफ के इक्वल आएगी, बस उनके साइज बढ़ जाएगी, और दूसरी बात क्या है, उनका रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, तीन है तो आर बाय थ्री, चार है तो आर बाय फोर, पांच हो तो आर बाय फाइव, इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये दो सेल का मैंने आपको बताया, अब इसके बाद में कर रहे हैं फॉर एन सेल्स, फॉर
एन सेल्स और सेल वो भी कैसे आइडेंटिकल है फॉर एन आइडेंटिकल सेल्स फॉर एन आइडेंटिकल सेल्स के लिए क्या होगा बेटा एन आइडेंटिकल सेल के लिए ई इक्विवेलेंट तो ई होगा वो चेंज नहीं आएगा कभी चेंज नहीं होगा और आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा अगर हमारे पास एन आइडेंटिकल सेल हमने माने तो इसको एन मत मानो इसको एम लिखो क्योंकि एन माने थे हमने एक ये रो के अंदर जो नंबर ऑफ सेल थे वो सीरीज के थे अब एम मान लेना ऐसे जैसे हमारे पास एक सेल ये था इसका रेजिस्टेंस हो गया एक सेल ये हो गया इसका रेजिस्टेंस हो गया एक सेल ये हो गया इसका रेजिस्टेंस हो गया इस तरह से एन सेल तक हम जोड़ते चले जाए मैं इनकी बात कर रहा हूं तो इसकी ईएमएफ है ई रेजिस्टेंस है आर इसकी ईएमएफ है ई रेजिस्टेंस है आर ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर ये डायग्राम बना लेना एन आइडेंटिकल सेल के लिए और किसके बीच में हमें निकालनी है बिटवीन पॉइंट ए और बिटवीन पॉइंट बी तो ई आर और ये हमारे पास तो ये एक सेल इसमें भी एक सेल है इसमें भी एक सेल है और एक दो तीन चार पांच नंबर ऑफ रोज कितनी है एम एम नंबर ऑफ रोज है यहां पे एम नंबर ऑफ रोज है एम नंबर ऑफ रोज है और हर रो में एक एक ही सेल एक एक ही सेल है तो क्योंकि कॉन्सेप्ट आगे आया इसलिए मैं इसको डिफरेंट मान के चल रहा हूं ठीक है तो एम नंबर ऑफ रोज है तो यहाँ पे एक दो तीन कितनी भी रो होती जाओ अगर सभी की ईएमएफ सेम है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी क्या आएगा ई आएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा दो था तो आर बाय टू थ्री था तो आर बाय थ्री कितनी रोज हमारे पास एम रोज है उतने ही सेल है तो इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाय एम तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा पैरेलल के अंदर तो अगर पहले तो आपको याद रखना है फॉर्मूला ये वाला ये फॉर्मूला याद रखना है ई इक्विवेलेंट का और ये आर इक्विवेलेंट का अगर दो सेल डिफरेंट सेल है उनकी ईएमएफ और इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो तो ये दो फॉर्मूले काम आएंगे उसके बाद अगर हमारे पास आइडेंटिकल सेल से कितने भी हो आइडेंटिकल से कितने भी हो तो उन सभी की ईएमएफ क्या आएगी ई आएगी रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई एम अगर एम सेल हो तो एम लिख देना कोई सेल कुछ दिया मिले 10 20 30 तो डिवाइड बाई वो लिख देना इसकी वैल्यू ठीक है तो ये थे क्या बेटा सेल्स इन पैरेलल और उनका कॉन्सेप्ट बहुत काम का है ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी ये जरूर ध्यान रखना ये चीज है तो मेरा आपको लास्ट समझाइए ये आगे काम आएगा मिक्स्ड ग्रुपिंग में अभी हमने आप ओनली क्या पढ़ा है हमने अकेले या तो सेल पढ़े हैं सीरीज में और अकेले पढ़े हैं पैरेलल के अंदर ठीक है इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब हम सेल सीरीज में भी और पैरेलल में भी दोनों लेके चलेंगे ठीक है ओके थैंक यू